तो ग्लेनमार्क फार्मा का एपीआई आर्म ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है जुलाई के अंदर, जिसका टारगेट रेजअप के लिए 1700 करोड़ के लिए है। और ये मिडेस्ट C19 के पैंडेमिक ब्लेजिंग सेकेंड वेव में आप देख सकते हो कि कैसे हेल्थ केयर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और इस साल में 5 IPOs हेल्थ केयर के आने के चांसेस हैं, और कई सारे इस थर्ड वेव में आप स्पॉट कर सकते हो जिसने अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए मार्केट के अंदर शामिल हैं। सो डेफिनेटली फार्मा और लाइफ साइंसेज के जो बिजनेस हैं वो प्लान कर रहे हैं IPOs आने वाले मंथ्स के अंदर, तो जिसके अंदर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का IPO भी लॉन्च होने जा रहा है, जिसके ऊपर मार्केट रिसर्चर्स और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की नज़र है। और डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये IPO मार्केट का सबसे मतलब ये IPO मार्केट सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, और बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है पैंडेमिक के पैनिक सबसाइडेड टाइम में, और डेफिनेटली फार्मा कंपनी से एक ग्रेट परफॉर्मेंस रहे हैं इस पैंडेमिक वेव में, और उन्होंने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है सेंसेक्स और निफ्टी पे, और हाई टारगेट्स अचीव करे हैं। सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से उम्मीदें हैं, और API बिजनेस जब से चाइना का इंपोर्ट कर्व कर दिया है, सो डेफिनेटली न्यू मैन्युफैक्चरर्स आर डेफिनेटली सीइंग देयर वेव इन द इंडियन मार्केट।